अब खबर ऐसे लोगों की जो अफवाहों के भ्रमजाल में फंसकर वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं। महाराष्ट्र के पालघर के एक सरकारी अस्पताल में बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर पर सन्नाटा पसरा हुआ है। पालघर के इस गांव में अब एक शख्स भी वैक्सीन लगवाने को तैयार नहीं है। इलाके के लोग वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं। उनको डर है कि वैक्सीन लगवाने के एक महीने बाद उनकी मौत हो जाएगी। इसमें सबसे ज्यादा आदिवासी लोग शामिल हैं, जो तमाम अपील के बाद भी वैक्सीन लेने से साफ इनकार कर रहे हैं। न्यूज 18 लगातार आपसे यह अपील कर रहा है कि ऐसे अफवाहों पर ध्यान ना दें, डरिए मत, वैक्सीन लगवाइए, क्योंकि वैक्सीन ही कोरोना से आपको बचाएगी। ये बताइए कि कितने लोग सबसे पहले तो वैक्सीन लेने के लिए आते हैं? पहले लोग तो डरते हैं बहुत, बहुत डरते हैं, क्योंकि कोई ऐसा बोलता है कि वैक्सीन लेने से एक महीने में बात मर जाते हैं, ऐसा आदिवासी लोग बोलते हैं। जैसे कि इधर के बड़े बड़े अच्छे लोग हैं, वो खुद लेते हैं वैक्सीन। लेकिन जो आदिवासी लोग हैं उनके मन में डर क्या है? वो एक महीने में वैक्सीन लेने के बाद एक महीने में मर जाते हैं, ऐसे बोलते हैं सब। यहाँ पर जो वैक्सीनेशन केंद्र है, क्या अभी तक जो आदिवासी लोग हैं क्या आते दिखे? बहुत कम लोग। एक भी हमारे गांव में, मैं खुद रहता हूं, हमारे गांव में एक भी ऐसा आदमी नहीं आया क्या खुद वैक्सीन ले ले, कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। और गांव में आप बोलते हैं जाके कि मतलब वैक्सीन लो, तो क्या जवाब आता है? वो बोलते हैं नहीं, डरते हैं वो लोग। क्या कहते हैं? कहते हैं एक महीने में हम लोग मर जाएंगे। अच्छा, कोई अवेयरनेस प्रोग्राम जागरूक करने के लिए उनको जो है किसी प्रकार का कोई प्रोग्राम आप लोगों की तरफ से किया जा रहा है, फिर आप उनको बताते कहीं समझाते हैं? वो तो मैं बोला था, उसको खुद बोला था, लेकिन वो डरते हैं तो इसके वजह से आते ही। कितने गांव में कितने लोग अब तक वैक्सीन आपके ले चुके हैं, कितने बाकी हैं? बहुत, सारा गांव तो वैक्सीन लिया ही नहीं, उसने लिया ही नहीं है। तो आसपास के गांव में भी यही हाल है? हाँ, आसपास का ही, सबका ही हाल है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पालघर जिले में, जहाँ पर ये जानकारी सामने आ रही है कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो वैक्सीन लेने से घबरा रहे हैं। वजह ये कि उन्हें इनके मन में यह डर है कि इस वैक्सीन से ना सिर्फ फीवर आता है बल्कि एक महीने में मौत हो जाती है। मैं इस वक्त पालघर जिले के वानगांव यानी दहानु तालुका में जो वानगांव है, एरिया है, वहां पर मौजूद हूँ। ये वहां का जो सरकारी अस्पताल है, यहां पर मौजूद हूँ। और यहां पर सबसे अहम चीज की जो वैक्सीनेशन है वो यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर पर सन्नाटा पसरा हुआ है। 10 बजे से वैक्सीनेशन जरूर शुरू होता है, लेकिन यहाँ पर जो जानकारी मिलती है काफी कम लोग वैक्सीन लेने के लिए पहुंच रहे हैं। पूरे हॉल में आप देखेंगे तो सन्नाटा पसरा हुआ है, और जो वैक्सीन लेने के लिए आते हैं बहुत कम लोग वैक्सीन लेने के आते हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों में डर ये है कि वैक्सीन से एक महीने में उनकी मौत हो जाएगी। लेकिन जो स्थिति यहाँ पर है, सरकार को जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है ताकि लोगों के मन में जो डर है वो दूर हो और लोग वैक्सीन ज्यादा से ज्यादा संख्या में लें, क्योंकि वैक्सीनेशन होना बहुत जरूरी है अगर कोविड से बचना है। तो साफ तौर पर यहाँ पर फिलहाल जहाँ पर वैक्सीनेशन केंद्र है वानगांव के सरकारी अस्पताल में, यहाँ पर सन्नाटा है। और जैसे कि यहाँ के वार्ड बॉय के तौर पर काम करने वाले और एक गाँव के उप सरपंच भी हैं, उनका ये कहना है कि लोगों के मन में ये डर है कि वैक्सीन लेने से बुखार आएगा और फिर एक महीने में मौत हो जाएगी। साफ तौर पर ये देखने को मिल रहा है पालघर के अलग अलग क्षेत्रों में कि इसी तरह का डर लोगों में फैला हुआ है, और इस डर को दूर करने की जिम्मेदारी सरकार की है। दिवाकर हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ भी गए हैं, जिनकी रिपोर्ट हम देख रहे थे। दिवाकर, क्योंकि आपने वहां पर बात की, लोगों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है, कोई भी वैक्सीन लगवाने को तैयार नहीं है। अब सवाल ये है कि इनको समझाया कैसे जाए कि वैक्सीन से दरअसल कोई खतरा नहीं है। क्या प्रयास हो रहे हैं इस दिशा में? देखिए अर्पिता, जो तस्वीर हमने देखी, शायद कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है कि जो लोग इतना डर रहे हैं वैक्सीन से, उन्हें वैक्सीन लगवाने के लिए किस तरह उनके मन से डर को निकाला जाए। यह जिम्मेदारी महाराष्ट्र सरकार, लोकल प्रशासन जो है उसकी है, लेकिन उनकी तरफ से किसी भी प्रकार का कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। और साफ तौर पर जब हम गांव में पहुंचे तो उनको लगा कि मेडिकल की कोई टीम आई है, उनको वैक्सीन लगाने के लिए आई है, इसलिए वो तुरंत अपने घरों में भाग गए अंदर। तो साफ तौर पर जो डर है, कुछ लोगों से हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि हम मर जाएंगे लेकिन वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, क्योंकि वैक्सीन लगवाने से एक महीने में मौत हो जा रही है। तो इस तरह का डर जो है लोगों में बैठा हुआ है, और एक बड़ा तबका है, आदिवासी इलाके हैं, जो एक बड़ा तबका है जो इस तरह के डर से
वो जो है वैक्सीन नहीं लगवाना चाहता है। तो ऐसे में अब राज्य सरकार की, लोकल प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि उनके मन से ना सिर्फ डर को निकालें, क्योंकि जो वैक्सीनेशन सेंटर खोला गया है वहां पर वैक्सीन उपलब्ध है, लेकिन लगवाने वाला कोई नहीं पहुंच रहा है वहां पर, जिसके चलते डॉक्टर और नर्स का जो स्टाफ है वो इंतजार कर रहा है कि कोई लगवाने आए और वैक्सीन जो है उन्हें लगाई जाए। फोन भी किया जा रहा है लोगों को कि आके वो वैक्सीन लगवाएं, लेकिन लोग साफ मना कर दे रहे हैं अर्पिता कि वो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है दिवाकर, आप नजर बनाए रखिए। और अब एक हैरान करने वाली तस्वीर दिखाते हैं। कोरोना को गांव में फैलने से रोकने के लिए मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव-गांव जाकर मरीजों की पहचान करने में जुटी। और इसी कड़ी में जब जबलपुर जिले के गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम सर्वे के लिए पहुंची तो गांव के बाहर 20 से ज्यादा महिलाओं ने उनका रास्ता रोक दिया। महिलाओं के हाथों में लाठी भी दिखी जिसे देखकर लोग घबरा गए। इस बीच एक अधिकारी ने उन्हें समझाने की कोशिश की जिस पर वो भड़क गई। मजबूर स्वास्थ्य विभाग की टीम को वापस वहां से लौटना पड़ा। वैक्सीन नहीं लगवाने तुम्हें? हम नहीं लगवाऊं ने। का परेशानी है? हमें लगवाऊं ने नहीं, हम तो भगवान ने जितना को दाहु जति गया उतना माए बस। अब एक का देख के थे वैक्सीन लगवाऊं ने नहीं, हमारा तो मताई ना जो जन्म दा के तुम ना लगवा। ग्रामीणों ने एक तरफा सब गांव की सभी महिलाएं एकत्रित होकर बैरिकेड लगाकर हम लोगों का वाहन रोके और हम लोग हमारी पूरी जो स्वास्थ्य अमला है उसका उद्देश्य यह है कि 100% लोग टीकाकरण कराएं। पिछला फर्स्ट डोज इन्होंने 10 से 15 लोगों को वहां लगाया जा चुका है और उद्देश्य हम लोग कोरोना के बढ़ते हुए प्रकोप को रोकने हेतु घर घर सैंपलिंग और टीकाकरण हेतु प्रोत्साहित कर रहे हैं। पर अभी भी जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में भ्रांतियाँ हैं उनमें काफ़ी मेहनत करने की आवश्यकता है और कोशिश है कि हम लोगों को समझा के कई ग्राम चिन्हित करके वहाँ टीकाकरण को हम लोग सुदृढ़ करना चाहते हैं। उधर एमपी के जबलपुर जिले के एक गांव में